अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, मैं जैदुल्ला एक न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। आज हम डेटा एंट्री वर्क इन एक्सेल, हम एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहले टाइपिंग स्पीड की बहुत ज़रूरत होती है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा वो एक्सेल शीट में डेटा एंट्री आसानी से कर सकता है। और हम एक प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, बग़ैर विजुअल बेसिक VBA हम एक फॉर्म आपको दिखाऊंगा कि इस फॉर्म के ज़रिए हम डेटा कैसे एक्सेल शीट में इंटर करेंगे। आइए देखते हैं। हम पहले ये रो तो ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल हम जल्दी से बनाएंगे एक स्टूडेंट डिटेल के नाम पे एडमिशन, स्टूडेंट के एडमिशन डिटेल के बारे में आपको एक फॉर्म बनाऊंगा। यहाँ पर हम ये पेस्ट करेंगे कि सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर और रिमार्क्स। यहाँ ये हमने ब्लैंक छोड़ा है तो ये हम मर्ज करेंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे और फिर मर्ज करेंगे और मर्ज के बाद हम इधर कुछ कलर देंगे। यहाँ हम सीरियल नंबर और यहाँ पर हम बॉर्डर लगाएंगे कुछ कलर इसको देंगे। ये कलर दिया है या हम स्टूडेंट मशीन डिटेल ये फॉर्म बन गया। फिर हम एक फॉर्म के ज़रिए हम एंट्री करेंगे तो पहले हम या पाइप के ऊपर क्लिक करेंगे या ऑप्शन पे जाएंगे, फिर क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएंगे, फिर इधर पॉपुलर कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे, आल कमांड करेंगे, आल कमांड में आप इधर आए फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ऐड के बटन आपको नज़र आएगा, इधर ऐड पे क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो ये आइकन इधर नज़र आएगा, ये आइकन आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, यहाँ पर शो है अबाउट द रिबन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह आ जाएगा, या फिर आप शो बिलो द रिबन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये आएगा। फिर आप डेटा एंट्री कैसे करेंगे, आप एंट्री या सारे सेलेक्ट करें या स्टूडेंट नेम से लेके रिमार्क्स तक हमने सेलेक्ट किया है, फिर इस फॉर्म के ऊपर आ जाए और फॉर्म के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ओके करें तो ये फॉर्म आपको नज़र आएगा, ये फॉर्म
आपको नजर आएगा। इस फॉर्म के थ्रू हम इस शीट को फिल करेंगे, इस डेटा एंट्री करेंगे। और कैसे करेंगे, आप इसके जो हमने हेडिंग दिया है ये सारे इस फॉर्म में नज़र आएगा और इसके ज़रिए हम आसानी से एंट्री कर सकते हैं एक्सेल में। तो आइए देखते हैं कि हम एंट्री कैसे करेंगे। इधर तो देखते हैं, यहाँ पर हम अली रहमान नेम, स्टूडेंट नेम अली रहमान, फादर नेम अकबर, डेट ऑफ बर्थ 5392, कॉन्टेक्ट नंबर और रिमार्क्स स्टूडेंट डेटा। और फिर एंटर करेंगे, या आप देख सकते हैं यह ये फॉर्म ये रो फिल हो गया है। फिर दूसरा रो हम फिल करेंगे तो इधर हम जान मोहम्मद फादर नेम अली जही, डेट ऑफ बर्थ 2008 1 2008 2008 और कॉन्टेक्ट नंबर मार्क्स स्टूडेंट और एंटर दबाएंगे तो ये दूसरा रो फिल हो गया है। फिर तीसरा रो सर फादर नेम हक नवाज, नवाज डेट ऑफ बर्थ 1993, कॉन्टेक्ट नंबर और स्टूडेंट करेंगे। फिर तीसरे कॉलम को हम जिया आया, डेट ऑफ बर्थ 1/2/1/2/2000, कॉन्टेक्ट नंबर और फिर दबाएंगे तो ये तीसरा चौथा रो फिल हो गया है। फिर हम बिलाल बिलाल शेरबर डेट ऑफ बर्थ 1/2 और एंटर दबाए तो ये पांचवें रो फिल हो गया है। इसी तरह इस फॉर्म के जरिए आप इस एक्सेल शीट को आप फिल कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बटन नज़र आएगा, यहाँ फाइंड प्रीवियस, यहाँ फाइंड नेक्स्ट क्राइटेरिया क्लोज, फाइंड प्रीवियस। जब हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस जो डेटा हमने एंटर किया है, जो लास्ट हमने एंटर किया, ये प्रीवियस डेटा उन्होंने उठाया है। जब आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन आ जाएगा। आप इन डिलीट का अगर कोई गलती हो इसमें तो आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर आप डिलीट के ऊपर दबाएंगे तो ये रिकॉर्ड अब देखे डिलीट हो गया है। यहाँ प्रीवियस जो जितने भी प्रीवियस आप देख सकते देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और फिर इसमें आप जो गलती है चेंजेस करते हैं और जो भी करते हैं आप कर सकते हैं और फिर एंटर दबाएंगे वापस ठीक हो जाएगा। तो इसके ज़रिए हम आसानी से एक्सेल शीट को फिल कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं और बहुत क्विक मेथड है। तो आप इस मेथड को यूज़ करें और
डेटा एंट्री आसानी से आप कर सकते हैं। डियर व्यूअर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करें। डियर व्यूअर, सब्सक्राइब करें, बिल पाए जरस पर बटन में लपा सा क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें। देखो जी, सब्सक्राइबर जमा कम दी सुमरा सब्सक्राइबर जेती तस्तबा पटेम वेडियो उम्रा रसी और तस्तबा दिन पैदा हासिल करें। सासु देर देर मेहरबानी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।